इन प्रीवियस लेक्चर्स वी अंडरस्टूड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, मैं उसको थोड़ा अभी आप यू नो कैपिटल यू नो ड्रॉइंग्स, सो आई कैन राइट एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, सो उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और अलग नजर से देख सकते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Transactions with owner. With owner or for owner. Are recorded. And transactions of owner are not recorded. मतलब ओनर गोज एंड बाय समथिंग फॉर हिम, ओनर बाय समथिंग फॉर हिम एंड ही मेक्स द पेमेंट, वी आर द बिजनेस, हमारा ओनर खुद पेमेंट करता है, खुद के लिए कुछ लेता है, दैट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड दैट पर्सन, ओनर एंड दैट पर्सन, इज बिजनेस पार्टी टू द ट्रांजैक्शन? नो, बिजनेस इज नॉट वन ऑफ द पार्टी, पार्टी मीन्स देयर आर टू पर्संस रिक्वायर्ड इन एवरी ट्रांजैक्शन, एक बायर एंड एक सेलर चाहिए, एक पैसे देने वाला तो दूसरा पैसे लेने वाला, बराबर, सो व्हेन ओनर बाइज समथिंग फॉर हिम एंड ही मेक्स द पेमेंट, सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड दैट पर्सन, बिजनेस इज नॉट ए पार्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन, बिजनेस से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा, ओनर गोज देयर बाइज समथिंग एंड बिजनेस पेस टू दैट पर्सन, ओनर गोज या ओनर घूमने गया, होटल का बिल बिजनेस ने पेड किया, ओनर घूमने गया होटल का बिल खुद ओनर ने पेड किया, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, तूने तेरा पेमेंट किया हमें कोई लेन देन नहीं, बट उसका होटल का बिल बिजनेस ने पेड किया, हमने उसके लिए पेमेंट किया है, बिजनेस की तो कैश कम हो चुकी है, सपोज बिजनेस के पास 1,00,000 रुपीज कैश थी, 10,000 होटल का बिल पेड किया, तो अब अपने पास कितनी कैश थी, 90,000, so business has paid for owner, so this will be treated as drawings, ye transaction hum record karenge, kya bol ke record karenge, drawings, dusra business, suppose humne kisi se goods purchase kiye, we are a business and wo seller apne paas aata hai, bolta hai payment karo, aur apne paas abhi in hand cash nahi hai, bank mein paise hai, वो बोलता है मुझे कैश में ही चाहिए, वो बोलता है मुझे कैश में ही चाहिए, हम बोलते हैं चेक देते हैं, वो बोलता है नहीं 2,000-3,000 है, 2,000-3,000 के चेक नहीं, आप कैश ले लो, अकाउंटेंट बोलता है यार मैंने पूरी कैश बैंक में डाली अभी कैश नहीं है, ओनर बैठा, ओनर बोलता है क्या हो गया, अकाउंटेंट बोलता है कि सर इसको कैश ही चाहिए, हमने इसे गुड्स परचेस किए है, हमें उसको पेमेंट करना है, बिजनेस को उसको पेमेंट करना है, बट अपने पास कैश नहीं, तो ओनर उसके जेब में से कैश देता है, बोलते ये रख, वो सेलर को पैसे देता है और अकाउंटेंट को बोलता है मेरे नाम पे लिख के रखना, ये जो ओनर ने पेमेंट किया है, एक्चुअली इस ट्रांजैक्शन में मैं और मेरा सेलर है, बिजनेस एंड बिजनेस का सेलर है, बट इसका पेमेंट किसने किया है, ओनर ने किया है, ओनर ने हमारे लिए पेमेंट किया है, हम उसका कैपिटल की तरह देखेंगे, बिकॉज बाद में हमें उसको देना पड़ेगा ना, सपोज उसने 2,000 सेलर को दिया, हम उसको बोलेंगे सर पैसे आएंगे तो हम आपको रिटर्न करेंगे, जब हम उसके लिए पेमेंट करते हैं, जब हम ओनर के लिए पेमेंट करते हैं, हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, एंड ओनर हमारे लिए पेमेंट कर रहा है,
उसको हम कैपिटल बोलेंगे, बिकॉज इट इज एज गुड एज उसने मुझे 2000 दिए और मैंने उसको सेलर को दे दिया. क्या हुआ, तीन बंदे, ओनर है, बिजनेस है एंड सेलर है, अपना बिजनेस का सेलर है. अब इसको 2000 चाहिए, तीनों सामने सामने, तो ओनर ने उसके हाथ में पैसे ले लिए, पैसे इसका खत्म. उसको पैसे मिलने से मतलब है, उसको पैसे मिले. तो एक्चुअली क्या हुआ, ओनर ने सेलर को पैसे दिए, एक्चुअली ओनर ने हमें पैसे दिए और हमने किसको दिए, सेलर को दिए. अब सेलर फिर से पैसा मांगेगा, नहीं, बट ये 2000 हमें देने पड़ेंगे ओनर को. यस, सो ऐसे समझना कि ट्रांजैक्शंस विद ओनर आर रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल और ड्रॉइंग्स, बट उसके खुद के ट्रांजैक्शन जो उसका खुद पेमेंट करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. देन आई विल कम टू नेक्स्ट टर्म, सेल्स. What do you mean by sale? Let me show you. क्या लिखा है पढ़ो. अच्छा, दे विल गिव अस इन मूवी आती है, मूवी आ गई, रिलीज हो गई थिएटर में, ठीक है, 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, 300 करोड़ का किया, ये आपने सुना है. सो वो जो पैसा उनको मिला, इट इज देयर सेल. थिएटर में हम जाते हैं मूवी देखने के लिए, वो टिकट सेल करते हैं. सेल इज इनकम ऑफ द बिजनेस, सेल्स इज इनकम ऑफ द बिजनेस. हम किसी वड़ा पाव के गाड़ी के इधर रुकते हैं, हम वड़ा पाव परचेस करते हैं, वो हमें वड़ा पाव सेल करता है, हम उसको पेमेंट करते हैं, इट इज हिज इनकम, दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम, उससे वो पैसे कमाता है. एयरटेल सेल्स सर्विसेज डेटा, जियो सेल्स सर्विसेज डेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वन प्लस सेल्स मोबाइल, इट इज सोर्स ऑफ देयर इनकम, उस पे वो जीते है, उस पे वो बिजनेस चलता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर स्कूल्स प्रोवाइड्स एजुकेशनल सर्विसेज, दे सेल्स एजुकेशनल सर्विसेज, योर कॉलेज सेल्स एजुकेशनल सर्विसेज, कॉलेज में जो कैंटीन है दे सेल्स फूड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, दैट इज देयर इनकम. सेल इज अ सोर्स ऑफ इनकम, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आपके घर के बाजू में जो किराना का दुकान है, ही सेल्स, राइट, द डे टू डे में जो चीजें लगती है वो सेल करता है. आप न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर लेते हो, ही सेल्स यू न्यूज़पेपर. दूध वाले से दूध लेते हो, ही सेल्स मिल्क टू यू, मे बी पैक मिल्क और जैसे होता है वैसे, या खुला वाला मिल्क. It is his source of income. Sale is source of income. And business sells goods and services. Goods and services sell करके हम कमाते हैं. हम मतलब business. Are you getting my point? Maruti Udyog Limited sells four-wheeler vehicles. Bajaj Auto Limited sells two-wheelers and autos. Autos भी Bajaj कहते हैं, पता होगा आपको. Right, three wheelers, and they earn. Tata Motors Limited sells four wheelers and earn. समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? So what is a sale? आपके घर के दुकान बाजू में देख के आप end तक देख सकते हो. What is a sale? Sale is a source of income. And this is very important. अगर sale नहीं तो business नहीं. Like during this lockdown, almost 3 months, many businesses were closed. They couldn't sell because lockdown था. Sale नहीं तो कितने problem होती, आपको भी पता होगा, आपने सुना होगा. Sale नहीं मतलब पैसे नहीं आते, तो you cannot pay to your sale employees. Employees को salary नहीं pay कर पाओगे, rent pay नहीं कर पाओगे, taxes pay नहीं कर पाओगे.
समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर पाओगे, राइट, वाटर बिल पे नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पापा कहां पे जॉब कर रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज एंड दे आर गेटिंग सैलरी। सैलरी इज अ इनकम ऑफ योर फैमिली या योर फादर और योर मदर एज द केस में भी। अगर आपके पापा राइट सीए है एंड ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ही इज सेलिंग द सर्विसेज एंड फॉर दैट ही गेट्स मनी। सेल इज सोर्स ऑफ इनकम। हम बोलते हैं जितना सेल होगा उतना ज्यादा इनकम रहेगा। डू एग्री? ठीक है। सो सेल्स इज सोर्स ऑफ इनकम, इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स इनकम ऑफ बिजनेस। आप अप्पा भवन चौक में जाते हो, आप वहां के प्रगति बुक्स शॉप में जाते हो, दे सेल्स बुक्स, जब वो सेल करते दे अर्न द इनकम। समझ में आ रहा है? देयरफॉर सेल्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड सेल्स इज जनरेटेड, सेल्स इनकम इज जनरेटेड is generated by selling goods and services। GST सुना होगा ना आपने, goods and service tax, goods and services। There are two types of sales, cash sales and credit sale। credit sale मतलब उधारी पे, सेल करते उधारी पे। cash sale मतलब सेल होगा कैश आएगी। so cash sales is sale of goods and services on cash basis। on cash basis credit sale means sale of goods and services, sale of goods and services, ठीक है, sale of goods and services on credit basis। therefore cash sales and credit sales, cash sale मतलब sale of goods and services on cash basis, credit sale means sale of goods and services on credit basis। example, हम सुजाता मस्तानी में जाते हैं, ठीक है, वहां पे हम पेमेंट करते और मस्तानी परचेस करते हैं, बराबर। दूसरा, आप पीएमटी बस में चढ़ते हो, आप पेमेंट करते हो, दे सेल द सर्विसेज, ट्रैवलिंग सर्विसेज, पेमेंट तुरंत किया। अब उनके पास पीएमटी वाले क्या करते हैं, टिकट सेल करते हैं, पैसे लेते हैं, सर्विस देते हैं। कहां पे हमने वड़ा पाव के गाड़ी पे गए, वहां पे पेमेंट किया और उसने हमें सेल किया। वो जो सेल कर रहा है ही इज सेलिंग ऑन कैश बेसिस, उधारी पे नहीं। वो सेल करेगा आपको तुरंत पे करना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल नॉट सेल यू। ऐसे सेल को कैश सेल बोला जाता है। उधारी पे मतलब ही विल सेल यू टूडे एंड आप उसको बाद में पेमेंट करोगे, क्रेडिट सेल। लाइक आपका डेली जिससे आप मिल्क लेते हो, वो आपको डेली मिल्क सेल करता है,
आप पेमेंट उसको मंथ के एंड में करते हो. सो उसने आपके पूरे मंथ सेल किया है उधारी पे, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसका सेटल करते हो अकाउंट. न्यूज़पेपर वाला, आपके घर के बाजू में किराना शॉप वाला होता है, आप उसको बोलते हो भैया अकाउंट में लिख के रखना, राइट, मंथ के एंड में जो भी बिल रहेगा देना, हम आपको सेल करेंगे. ठीक है, क्रेडिट सेल है वो, हम पूरे मंथ उनसे परचेस करते हैं, वो हमें सेल करता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको पेमेंट करते हैं. तो सेल आज हो रहा है, पेमेंट बाद में मिल रहा है उसको. इफ बिजनेस सेल्स टुडे, पेमेंट पोस्टपोन होता है, उसको क्रेडिट सेल बोला जाएगा. ठीक है, देन दैट इज यहां पे व्हेन यू सेल गुड्स ऑन कैश योर सेल्स इनकम इंक्रीजेस. आपका इनकम इंक्रीज होगा एंड योर कैश असेट इंक्रीज होगी. कैश इज असेट, प्रॉपर्टी आपकी. सेल करोगे तो इनकम बनेगा, जितना सेल होगा उतनी इनकम, एंड यू विल रिसीव द कैश. आप उसको क्या करोगे, गुड्स दोगे और उससे कैश लोगे. योर इनकम इंक्रीजेस एंड योर कैश ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड क्रेडिट पे कैश तो नहीं आएगी, सेल्स इनकम इंक्रीजेस एंड डेटर्स इंक्रीजेस. अब मुझे ये टर्म सिखानी है, डेटर्स मतलब क्या, डेटर्स मतलब क्या. डेटर्स आर दोज बायर्स, दोज कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बट दे हैव नॉट एट पेड अस. हमने उनको सेल करके रखा है बट उन्होंने अभी तक हमें पेड नहीं किया. ऐसे से कस्टमर्स को, ऐसे बायर्स को हम डेटर्स बोलते हैं. तो लिख लेना, द नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स. राइट, दोज बायर्स और कस्टमर्स राइट फ्रॉम हूम अमाउंट इज रिसीवेबल. Right, for goods sold to them on credit. Those buyers or customers from whom amount is receivable, उनसे पैसे लेने receivable है, for goods sold to them on credit. जब हम उधारी पे सेल करते हैं तो हमें उससे पैसे लेने बायर से, ऐसे बायर्स को डेटर्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है, डेटर्स. मतलब अगर पैसे लेने हैं तो डेटर्स हो गए, जिनसे लेना है वो डेटर्स. समझा, तो कस्टमर्स आर डेटर्स इफ दे हैव नॉट पेड यू. आपने सेल करके रखा है बट उन्होंने पेड नहीं किया. व्हेन यू परचेस मिल्क ऑन डेली बेसिस फ्रॉम दैट person, you are debtor of that person, you are a buyer of that person, and he is supposed to receive amount from you at the end of the month. You are debtor. Debtor samjha, thoda fark click hua. Then second dhan dena. Navneet sales goods to Pragati. Navneet sales books of rupees 10 lakh to Pragati. And Pragati says, I will pay you after 1 month. I will pay you after 2 months, 3 months. This is a credit transaction, udhari wala. Sale aaj ho raha hai, payment baad mein milega. Credit transaction hai. Navneet has sold. So, ye sale hai Navneet ke liye. And Pragati ke liye purchase hai. They have purchase books. So, dhyan dena. Jab main bol raha hu,
कि ये नवनीत है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10 लाख एंड दे हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम द प्रगति. सो नवनीत के लिए प्रगति इज अ डेटर. नवनीत के लिए प्रगति इज डेटर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वो कस्टमर जिनसे पैसे आने हैं, कितने आने हैं? 10 लाख. बाद में प्रगति गिव 6 लाख. अभी भी 4 लाख आने तो हम बोलेंगे प्रगति इज अ डेटर फॉर 4 लाख. क्या बोलेंगे? प्रगति इज अ डेटर फॉर 4 लाख. 10 लाख में से 6 लाख आ गए 4 लाख. बाद में 3 लाख देता है प्रगति वाला, तो अभी भी उससे कितने लेने? 1 लाख. तो नवनीत वाला प्रगति को बोलेगा यू आर माय डेटर फॉर रुपीज 1 लाख एंड बाद में वो 1 लाख पे करता है. समझ में आ रहा है? तो डेटर्स बिकम्स 0. सो यहां पे लिख लेना सिंपल. हिंदी में लिखता हूं मैं कोई कई चीजें जानबूझ के. जिनसे पैसे लेने डेटर्स आर दोस पीपल जिनसे हमें पैसे लेने. क्यों? बिकॉज हमने उनको गुड सेल किए इसलिए पैसे. ऐसा कोई भी क्यों आपको पैसे देगा? एक रस्ते से बंदा चल रहा है वो देगा कि आपको पैसे? नहीं. आपने किसी को सेल किया है क्रेडिट पे और उससे पैसे रिकवर करने बाकी, ऐसे लोगों को डेटर्स बोला जाएगा. डेटर्स क्यों होते हैं? बिकॉज वी हैव सोल्ड देम गुड्स ऑन क्रेडिट. हमने उनको क्रेडिट पे गुड्स सेल किए होते इसलिए. ध्यान देना. एग्जाम्पल, नवनीत सेल्स बुक्स टू प्रगति रुपीज 10 लाख ऑन क्रेडिट. सेल्स बुक्स टू XYZ रुपीज 2 लाख ऑन कैश. सेल्स बुक टू नटराज रुपीज 20 लाख एंड नटराज पेज रुपीज 5 लाख इमीडिएटली. ठीक है, अब ध्यान देना. देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन बिटवीन नवनीत एंड प्रगति, नवनीत एंड XYZ, नवनीत एंड नटराज. नवनीत इज अ सेलर एंड दीज आर द बायर्स. बराबर. नवनीत ने प्रगति को 10 लाख के गुड सेल किए ऑन क्रेडिट. देखो यहां पे सेल्स कैश एंड डेटर. सेल होगा ना, जब आप सेल करोगे या तो आपको कैश मिलेगी या डेटर्स बन जाएंगे, आपके रिसीवेबल्स बन जाएंगे. कैश आएगी तो रिसीवेबल नहीं, लेना लेना देने का कोई सवाल नहीं, आ गए पैसे. बट अगर कैश नहीं आएगी, मतलब अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होगा तो डेटर्स बनेंगे. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सेल 10 लाख का है, उसमें से कैश रिसीव्ड 0, मतलब डेटर्स कितने को गए? 10 लाख. सेकंड ट्रांजैक्शन में कितने का ट्रांजैक्शन है? 2 लाख. सेल कितने का किया नवनीत ने? नवनीत सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख टू XYZ एंड रिसीव्ड कैश. सो दिस इज कैश सेल, दिस इज क्रेडिट सेल. है क्या कुछ क्रेडिट सेल? नहीं. थर्ड केस में सेल इज ऑफ 20 लाख, उसमें से रिसीव्ड 5 लाख इमीडिएटली, तो कैश सेल इज 5 लाख एंड 15 लाख बाद में आएगा क्रेडिट सेल. सो टोटल सेल कितना हो गया? टोटल सेल हो गया 32 लाख.
टोटल सेल कितना हो गया 32 लाख। सो नवनीत की इनकम 32 लाख है, उसमें से उनको कितने पैसे मिले 7 लाख। अभी भी आने कितने बाकी है, इज इट 25 लाख? यस। सो आई विल से प्रगति एंड नटराज आर द डेटर्स ऑफ नवनीत। क्या बोलूंगा, प्रगति इज अ डेटर फॉर 10 लाख, नटराज इज अ डेटर फॉर 15 लाख, टोटल सेल इज 32। उसमें से जो आया है वो डेटर नहीं रहेगा, जो आना बाकी है वो डेटर रहेंगे। इफ यू डोंट सेल गुड्स टू एनीवन, ही इज नॉट योर डेटर। बट आपने उसको गुड सेल किया है बट उसने पेड नहीं किया अभी भी, देयर आर चांसेस। ऐसे हो सकता है क्या बिजनेस में कि आपने किसी को सेल किया और उसने आपको पेड ही नहीं किया? ऐसे हो सकता है क्या? मतलब आपने कभी गांव में सुना होगा कि यार ये दुकानदार ने इसको सेल किए राइट, लेकिन इसने पेड ही नहीं किया, ऐसे होता है क्या? कभी आपने ऐसे सुना है क्या कि किसी धंधा कर रहा है उसने उधारी पे दिया उसको पैसे नहीं मिले, ऐसे हो सकता है क्या रियल लाइफ में? हो सकता है क्या? यस और नो, व्हाट यू थिंक? आप बिजनेस कर रहे हो एंड आपने किसी को क्रेडिट पे सेल किया और सामने वाले ने पेड ही नहीं किया, ऐसे हो सकता है क्या बिजनेस करते हो तो? व्हाट यू थिंक? यस और नो, राइट आंसर, व्हाट यू थिंक? चलो जल्दी लिखो। सो गए क्या जल्दी? ओके, इज इट पॉसिबल कि यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड यू कुडंट रिकवर द मनी? अरे तुम लोग क्या सो गए क्या बाकी लोग? चलो जल्दी टाइप करो आंसर। ये हो सकता है, ऐसे कितने बार होता है यार, कितने बार होता है ऐसे? यस इट कैन हैपन। मतलब कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने किसी को, अच्छा कैसल में कभी रिकवरी का प्रॉब्लम रहेगा क्या? नहीं, कैसल में रिकवरी का प्रॉब्लम नहीं। सेल किया, पैसे ले, किस्सा खत्म, तू तेरा मैं मेरा, समझ में आ रहा है? बट क्रेडिट सेल में ये चांसेस है कि आपके डेटर्स आपको पैसे ना दे, ठीक है? हो सकता है, क्यों नहीं देगा? कोई जेन्युइनली नहीं दे सकता, नहीं है मेरे पास पैसे, में कुछ भी नहीं कर सकता, जेन्युइनली हो सकता है। कोई इंटेंशनली नहीं देगा। क्रेडिट सेल में रिस्क होती है कि यू कैन नॉट रिकवर द मनी, इट इज ऑलवेज रिस्क रहेगी ना। अगर आप किसी को पैसे देते हैं आपके फ्रेंड को, हर फ्रेंड थोड़ी आपको रिटर्न करेगा, कोई नहीं देते, कोई होते ना लाइक, समझ में आ रहा है? इफ यू कैन नॉट रिकवर मनी फ्रॉम योर डेटर्स, इट इज लॉस ऑफ यू, योर लॉस, इट्स योर लॉस। बराबर है ना? जो पैसे लेने हैं आए नहीं, वो लॉस हो गए ना आपके लिए, ठीक है? अरे वी कैन रिकवर फ्रॉम हिज एसेट, हम क्या दिखा मुझे तो रिकवर करके किसी के एसेट से? इतना होता तो लोग लोन लेते, लोन रिपे नहीं करते क्या? सबके क्या एसेट, इंडिया में लॉस बहुत अलग है। बोलने के लिए हो गया कि हम रिकवर करेंगे, तुझे रिकवर करने के लिए जितनी कॉस्ट लगेगी उतना पैसा तो होना चाहिए। सपोज तुझे 10,000 रिकवर करने, तो उस पर केस डालेगा, केस के लिए 1 लाख डालेगा, तो उससे बेटर वो क्यों करना? तू लॉयर के पास जाएगा तो वो बोलेगा 1 लाख फीस है, तुझे रिकवर करना है 10,000, तू करेगा क्या वो? मतलब कमर्शियली वायबल भी होना चाहिए। हम उसके एसेट से रिकवर करेंगे, मैं मानता हूं वो लास्ट ऑप्शन रहा, बट मेनी टाइम्स वी डोंट गो इन द कोर्ट। हम बोलते मांडवली करते हैं, मतलब 10,000 में से जितना हो सकता है उतना मुझसे लेंगे, बाकी अब जाने दे, जितना रिकवर हुआ उतना ठीक है, बाकी जाने दे। ऐसे चीजों को बैड डेट्स बोला जाता है। द डेटर्स हु डोंट पे यू, डेटर क्यों है? बिकॉज हमने उस पर उसको क्रेडिट पे सेल किया एंड नाउ ही इज नॉट पेइंग यू। सच डेटर्स आर कॉल्ड एज बैड डेट्स एंड बैड डेट्स इज योर लॉस, बैड डेट्स इज योर लॉस। आगे राइट, अरे कौन बॉन्ड पेपर करता है? किधर बॉन्ड पेपर? तूने तू
इसे दूध लेता है घर में, वो क्या बॉन्ड डेली बॉन्ड पेपर पर साइन करके देता है कि हाँ भाई मैंने तेरे से ले लिए ले लिए। ऐसे थोड़ी कि हमेशा बॉन्ड पेपर रहता है कुछ भी। कितने कितने सारे जहां पे डॉक्यूमेंट होते ही नहीं, बॉन्ड पेपर बहुत दूर की बात हो गई। प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या हर कस्टमर से बॉन्ड पेपर लेना? है क्या पॉसिबल? धंधा करना है या बॉन्ड पेपर बनाना है? हम बिजनेस कर रहे हैं, बनिया दिमाग है हमारा, हम बिजनेस कर रहे हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन वो बाद में हो जाएगा, डोंट वरी, करना ही नहीं करना। वो बिजनेस में ट्रस्ट भी एक चीज होती है, बहुत सारी चीजें ट्रस्ट पे चलती है, ठीक है? हो सकते हैं ना ट्रस्ट ब्रेक, क्या प्रॉब्लम है? होते हैं कोई लोग जो पे नहीं करते। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, देयर कैन बी सम डेटर्स हु विल नॉट पे यू द अमाउंट, सच डेटर्स आर कॉल्ड एज बैड डेट्स, इररिकवरेबल डेटर्स, इररिकवरेबल डेट्स आर कॉल्ड एज बैड डेट्स, दैट इज योर लॉस। अब ध्यान देना, सो दिस इज योर कैश सेल, दिस इज क्रेडिट सेल, दिस इज योर टोटल सेल। बराबर? कैश सेल की वजह से क्या हुआ? योर सेल्स इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, एंड योर कैश बैलेंस ऑल्सो इंक्रीज। आपके जेब में 7 लाख रुपीज कैश आ गई। क्रेडिट सेल की वजह से क्या हुआ? योर सेल्स हो गया, इनकम आ गई, एंड यू हैव टू रिकवर द मनी, तो हम उनको डेटर्स बोलेंगे। हम बोलेंगे योर डेटर्स आर 25 लाख, डेटर्स इज असेट, बिकॉज हमें उनसे पैसे लेने हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे कभी ना कभी। अगर वो नहीं देते तो लॉस हो जाएगा। सो माय डेटर्स आर 25 लाख, माय डेटर्स आर 25 लाख। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देयर इज अ परचेस एंड सेल, सो देयर इज अ सेलर एंड देयर इज अ बायर। अगर ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे, देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन, सेलर सेलर रहेगा, बायर बायर रहेगा, किस्सा खत्म। बायर ने गुड्स परचेस किए, सेलर ने उसको सेल किए, बायर ने पेमेंट कर दिया, सेलर ने गुड्स डिलीवर किए, किस्सा खत्म। रिलेशन बायर सेलर ही। जब कैश ट्रांजैक्शन होता है, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज बायर एंड सेलर, दैट्स इट, आगे कुछ नहीं। किसी को लेना नहीं, किसी को देना नहीं, बिकॉज सेटलमेंट हो चुकी है। बट अगर क्रेडिट सेल है, रिलेशनशिप एक्सटेंड हो जाती है। सो जब क्रेडिट सेल होता है, सेलर बन जाता है क्रेडिटर एंड बायर बन जाता है डेटर। क्या बोला? ध्यान देना, अभी क्रेडिटर समझाना है, राइट? व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हेन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, द रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर गेट्स एक्सटेंडेड। बायर बिकम्स डेटर ऑफ सेलर, सेलर बिकम्स क्रेडिटर ऑफ बायर। सो अब ध्यान देना, क्रेडिटर मतलब क्या? मुझे उसको पे करना है। आप बोलते हो ना, मेरा इधर क्रेडिट है। क्रेडिट है मतलब क्या? कभी आपने सुना है, आपका दोस्त बोलता है चल कैंटीन, अरे बोलता है कैश नहीं, आप बोलते कोई नहीं चल मेरा उधर क्रेडिट है। क्रेडिट है मतलब क्या? वो तुझे उधारी पे देगा, आप उस तू उसको बाद में पे करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वर्ड हम यूज करते हैं बट हम उसमें सोचते नहीं उसका मतलब क्या। देखो, जब प्रगति, राइट राइट, नवनीत ने प्रगति को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, तो नवनीत के लिए प्रगति कौन हो गया? डेटर। नवनीत प्रगति को बोलेगा तू मेरा डेटर है, एंड प्रगति वाला नवनीत को क्या बोलेगा? तू मेरा क्रेडिटर है, तू मेरा क्रेडिटर है। सो सेलर बन गया क्रेडिटर, द पर्सन हु गिव्स क्रेडिट, नवनीत गिव्स क्रेडिट टू प्रगति, वह 1 मंथ के बाद पे कर, 2 मंथ के बाद पे कर। द पर्सन हु गिव्स राइट क्रेडिट इज अ क्रेडिटर एंड इट इज अ डेथ ऑफ द प्रगति, प्रगति को पे करना है, डेथ ऑफ द प्रगति, इसलिए प्रगति इज अ डेटर। सेल क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेलर बिकम्स क्रेडिटर, बायर बिकम्स डेटर।
इवन नटराज एंड नवनीत में, नवनीत के लिए नटराज इज अ डेटर फॉर 15 लाख. नवनीत के लिए भले ही नवनीत ने 20 लाख का सेल किया है, उसमें से 5 लाख आ चुके हैं. सो अभी लेने कितने नटराज से? 15 लाख. सो नवनीत के लिए नटराज इज अ डेटर फॉर 15 लाख एंड नटराज के लिए नवनीत इज अ क्रेडिटर फॉर 15 लाख. जितना रिसीवेबल पेएबल है ना, वही जो सेटल हुआ है उसका तो टेंशन नहीं. सो फॉर एवरी डेटर देयर विल बी क्रेडिटर, फॉर एवरी क्रेडिटर देयर विल बी अ डेटर. अगर कोई बेटा है तो उसके पापा तो रहेंगे, अगर सपोज पापा है तो बेटा रहेगा या बेटी रहेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बच्चा है बच्चे तो उसके मम्मी पापा तो रहेंगे, ऐसे ऊपर से तो टक्का नहीं होगा ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट आई वांट, राइट नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेसेस. लिख लेना. अब मुझे क्रेडिटर समझाना है, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेसेस सिमिलर, ये ऐसे कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस. कैश परचेसेस, जब हम गुड्स परचेस करते हैं, या पहले परचेसेस लिखना, परचेसेस एंड एक्सपेंस. लिखता हूं मैं एक मिनट का. कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस. परचेसेस, राइट? देखो कोई भी बिजनेस पहले गुड्स परचेस करेगा फिर सेल करेगा, पहले गुड्स परचेस करेगा फिर सेल करेगा, बराबर ना? या गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, लाइक मारुति मैन्युफैक्चर्स व्हीकल एंड देन सेल्स. नेक्सा परचेसेस व्हीकल फ्रॉम मारुति एंड देन सेल्स. वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो परचेस करते. समझ में आ रहा है? वन प्लस मैन्युफैक्चर्स मोबाइल एंड सेल्स. ऑन द कॉन्ट्री, सैमसंग का डीलर purchases mobile from Samsung and sales. purchase नहीं करोगे तो sale कहाँ से करोगे? समझ में आ रहा है? दूसरा example, प्रगति purchase books from Navneet and then sales to the customers. प्रगति खुद भी customer है किसका? Navneet का. और उनके भी customers है, ध्यान देना. so परचेस नहीं करोगे तो सेल नहीं होगा, या मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो सेल नहीं होगा, इतना तो मानते हो? अच्छा, गुड्स के केस में परचेस होता है, ठीक है, ध्यान देना. कैश परचेसेस मींस परचेसेस ऑफ गुड्स. एंड सर्विसेस ऑन कैश बेसिस. क्रेडिट परचेसेस मींस purchase of goods and services on credit basis. इसमें क्या होता है? Example, प्रगति purchase books of 10 lakhs on credit from Navneet. तो उनके expense बन गए. Purchases are expenses. They are expenses. Expense करोगे तो income मिलेगा. Sacrifice करोगे तो gain होगा. तो expense करोगे तो income होगा. Right? So they are expenses. ठीक है, ध्यान देना. When you purchase goods, when you purchase services, when you purchase goods or when you purchase services, right, your purchase expenses increases. आप goods purchase करोगे उनको cash दोगे, that is cash transaction, and your cash asset decrease होगी. कैश दोगे और गुड्स लेके आओगे, बराबर? आप किराना शॉप में जाते हो और कुछ परचेस करते हो, कैश देते हो. आपने कैश दे दी, आपकी कैश कम हो गई एंड आपने गुड्स परचेस किए. परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस मतलब यू विल परचेस द गुड्स बट पेमेंट बाद में करोगे. परचेसेस एक्सपेंसेस विल इंक्रीज.
एंड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी विल इंक्रीज. एक्सपेंस हो गए एंड उसका पेमेंट बाकी है, जो आपको अगर कुछ पे करना होता है उसको लाइबिलिटी बोलते, ऑब्लिगेशन है आपको पे करना पड़ेगा, सो उसको लाइबिलिटी बोला जाता है. किसी से लेना है असेट है, किसी को देना है लाइबिलिटी है, किसी से पैसे आने हैं असेट, किसी को देने हैं लाइबिलिटी. ठीक है, बैंक से लोन लिया रिटर्न करना पड़ेगा लाइबिलिटी है, किसी से गुड्स लिए उधारी पे पेमेंट करना पड़ेगा लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज ने हमारे लिए काम किया उनकी सैलरी पे करनी बाकी है लाइबिलिटी है, पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे लाइबिलिटी है. समझ में आ रहा है? 3 मंथ्स आप घर में रह रहे हो रेंट पे और आपको रेंट पे करना बाकी है, रेंट पेबल है, पे करना बाकी है लाइबिलिटी, पे करना पड़ेगा आपको. समझ में आ रहा है? सो ध्यान देना. ठीक है, आगे. ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, ध्यान देना. सो इन दिस एग्जांपल अगर हम प्रगति देखते हैं, प्रगति परचेस गुड्स, एक्स वाई जेड परचेस गुड्स, नटराज परचेस गुड्स. प्रगति परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस, एक्स वाई जेड परचेस ऑन कैश बेसिस, नटराज परचेस 5 लाख के गुड्स ऑन कैश बेसिस, 15 लाख के गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. आप थोड़ा पे भी करोगे चलो तो वो कैश बेसिस रहेगा, बाकी क्रेडिट बेसिस रहेगा. नाउ प्रगति हैज टू पे 10 लाख टू नवनीत. सो प्रगति के लिए नवनीत कौन हो गया? क्रेडिटर. लाइबिलिटी पे करना है. ठीक है, एक्स वाई जेड को कुछ पे करना है क्या? नहीं. नटराज को कितना पे करना है नवनीत को? 15 लाख. सो नवनीत बिकम्स क्रेडिटर ऑफ नटराज. हमेशा याद रखना, बायर को डेटर बोलो, सेलर को क्रेडिटर बोलो. ठीक है, ध्यान देना आप. प्रगति परचेस बुक्स, या सपोज कोई मोबाइल शॉप ही लेते हैं हम लोग, एबीसी मोबाइल शॉप ही, ही इज अ मोबाइल डीलर. एबीसी, ओके, एबीसी की जगह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, दे आर द डीलर्स ऑफ सपोज सैमसंग. They are dealers of LG. They are dealers of, suppose, कुछ एक आधा आइटम बोल दो, कुछ भी चलेगा, LG, Samsung, Philips. ठीक है, अब ध्यान देना. गडा इलेक्ट्रॉनिक purchased. ठीक है, गडा इलेक्ट्रॉनिक purchase. Samsung sold goods. Of rupees 5 lakhs on credit. To Gada Electronics. LG sold goods. Of rupees 10 lakhs on cash to Gada Electronics, and Philips sold goods of rupees 15 lakhs, of which received rupees 4 lakhs immediately. देना. फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, गडा इलेक्ट्रॉनिक परचेस गुड्स फ्रॉम सैमसंग रुपीस 5 लाख. सो गडा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस किए, बाद में वो सेल करेंगे, परचेस करते टाइम एक्सपेंस हो गए, जब सेल करेंगे तब इनकम होगा. ठीक है,
सो उन्होंने 5 लाख के गुड्स परचेस किए, 5 लाख के पे परचेस किए, जब सेल करेंगे तो 7-8 लाख पे सेल करेंगे तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, सेल पे प्रॉफिट हो जाएगा उनका, ठीक है, ध्यान देना। नाउ सैमसंग सोल्ड गुड्स टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स 5 लाख ऑन क्रेडिट, सो इसमें गडा इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम बायर, सैमसंग बिकम सेलर, एंड ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स इज सपोज टू पे 5 लाख टू सैमसंग, सो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स को पे करना है सैमसंग को, तो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सैमसंग कौन हो गया, क्रेडिटर, एंड सैमसंग हैज टू रिकवर रुपीज 5 लाख फ्रॉम गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग के लिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया डेटर, सेलर के लिए बायर डेटर, बायर के लिए सेलर क्रेडिटर, अगर सेटलमेंट पेंडिंग है तो। गडा इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10 लाख ऑन कैश बेसिस फ्रॉम एलजी, एलजी से 10 लाख के गुड्स परचेस किए और पेमेंट कर दिया, इनके बीच में कोई डेटर क्रिएटर नहीं, बिकॉज कोई लेना देना अब नहीं है, सेटलमेंट हो गई, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैश परचेस, एलजी के लिए कैश सेल। गडा इलेक्ट्रॉनिक परचेस गुड्स फ्रॉम फिलिप्स ऑफ रुपीज 15 लाख, उसमें से 4 लाख इमीडिएटली दिए, सो देयर आर टू ट्रांजैक्शन बेसिकली, कैश परचेस है, 4 लाख तुरंत पे किए और 11 लाख बाद में पे किया जाएगा। So, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिलिप्स इज ए क्रेडिटर नॉट फॉर 15 लाख बट फॉर 11 लाख, कितना पे करना बाकी 11 लाख, गडा का सेलर कौन है, फिलिप्स, तो फिलिप्स को पे करना है, गडा इज सपोज टू पे टू फिलिप्स रुपीज 11 लाख, सो गडा बन गया डेटर एंड फिलिप्स बन गया राइट क्रेडिटर। सो अब देखते हैं यहाँ पे गडा के लिए, ठीक है, ध्यान देना, हाँ गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ध्यान देना, परचेसेस कैश एंड क्रेडिट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेस कितने के किए, 5 लाख, सेल कितने पे, कैश बेसिस नहीं है, क्रेडिट बेसिस पे, सेकंड 10 लाख के परचेस किए कैश बेसिस पे, परचेस करके तुरंत पे करोगे, थर्ड 15 लाख के परचेस किए, उसमें से 4 लाख यू पेड इमीडिएटली एंड बोले कि 11 लाख बाद में पे करेंगे, सो टोटल कितने हो गए, परचेस हो गए 29 लाख के, एक्सपेंस कितने का हो गया 29 लाख, ठीक है, उसमें से पेमेंट कितना किया 14 लाख, अभी भी कितना पे करना बाकी है 16 लाख, नहीं नहीं कुछ तो गलत हुआ, 30 लाख है, सॉरी 30 लाख परचेस किए 30 लाख के, उसमें से 14 लाख पेड किया, अभी भी 16 लाख पे करना बाकी है, इसकी वजह से योर एक्सपेंसेस इंक्रीज। आप बोलोगे मैंने परचेस किए, परचेस एक्सपेंस इंक्रीज हो गया आपका 30 लाख का, ठीक है, योर एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय रुपीज 30 लाख, सो 30 लाख के एक्सपेंस इंक्रीज हो गए नाउ राइट, उसका बाइफर्गेशन क्या है ध्यान देना, ठीक है, उसमें से हमने कैश दे दी 14 लाख की, वी पेड कैश 14 लाख, सो हाँ कैश कम हो गए ना, कैश डिक्रीज हो गई 14 लाख गई ना आपके, गड़ा से गड़ा ने 14 लाख दे दी ना, तो कैश कम हो गई एंड 16 लाख पे करने बाकी है, पेबल है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, पहले आपको पे करना था क्या 16 लाख, नहीं आपने उनसे परचेस किया इसलिए अब पे करना है 16, ठीक है, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं समझा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, खाली इतना समझ लेना कौन डेटर होता है कौन क्रेडिटर होता है। अब ध्यान देना, सपोज राम परचेस गुड्स फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट, रुपीज 15,000 एंड सेल्स दोज गुड्स टू रावण
on credit rupees 20,000. Ram ne 5,000 ka profit kiya. Ram ne 5,000 ka profit kiya. Aage Ravan sells those goods to Bibhishan. अब वो नाम मुझे पता है इसलिए मैं ले रहा हूं. अगेन क्रेडिट पे रुपीज 22,000. सो रावण ने 20 पे परचेस किए, 22 पे सेल किए, तो रावण का प्रॉफिट हो गया 2,000. ऐसे धंधा करते हो ना, परचेस करते हो कम में और सेल करते हो ज्यादा में, राइट? अब ध्यान देना, बिटवीन सीता एंड राम, सीता और राम के बीच में सीता इज ए बायर, सॉरी सेलर, राम इज ए बायर. ठीक है, सीता इज सेलर, राम इज ए बायर. सीता बिकेम क्रेडिटर ऑफ राम. राम को 15,000 सीता को पे करने, तो राम सीता को बोलेगा यू आर माई क्रेडिटर. And Sita has to receive the 15,000 from Ram. Sita Ram ko kya bolega? Debtor. You are my debtor. Barabar? Oh, this is transaction one. Now this is transaction two. Ram ne Ravan ko credit pe goods sell kiye 20,000 pe. Now between Ram and Ravan, between Ram and Ravan, Ram is a seller. एंड रावण इज ए बायर. बराबर ना? जो बायर है वो कभी ना कभी तो सेलर होगा ना, जो बेटा है कभी ना कभी वो भी बाप होगा, सिमिलर. ठीक है, राम, बिटवीन राम एंड रावण, राम इज ए सेलर ऑफ रावण, रावण इज ए बायर ऑफ राम. राम ने क्रेडिट पे सेल किया, तो राम हैज टू रिसीव 20,000 फ्रॉम रावण. तो राम के लिए रावण कौन हो गया? डेटर. राम रावण को बोलेगा तू मेरा डेटर है. एंड रावण हैज टू पे टू राम 20,000. रावण के लिए राम कौन होगा? क्रेडिटर. अब राम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, राम सीता का डेटर है एंड रावण का क्रेडिटर है. व्हेन यूर सेल्फ इज अ बायर ऑफ समवन यू आर अ डेटर, एंड इफ यूर सेलर ऑफ समवन यू आर अ क्रेडिटर. सो एक बंदा किसी का बेटा भी होगा, किसी का बाप भी होगा. Your father is son of your grandfather and he is a father of yours. So, आप दोनों position रहोगे ना. So, आप कहाँ पे देख रहे हो? अगर आप राम एंड सीता के बीच में देख रहे हो transaction, तो राम debtor है. And राम एंड रावण के बीच में देख रहे हो, वही राम creator है. Are you getting my point? दूसरा, रावण sold goods to Bibhishan. 20,000 पे परचेस करके 22 में सेल किया. रावण ने इसमें 2,000 का प्रॉफिट कमाया. बिटवीन रावण एंड विभीषण, रावण इज अ सेलर एंड विभीषण इज अ बायर. ठीक है, अगेन दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मतलब रावण हैज टू रिकवर 22,000 फ्रॉम विभीषण एंड विभीषण हैज टू पे टू रावण 22. तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि रावण इज ए क्रेडिटर ऑफ विभीषण एंड विभीषण इज अ डेटर ऑफ रावण. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो योर पोजीशन विल कीप ऑन चेंजिंग. आपको क्या सोचना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि आपको देखना है ट्रांजैक्शन में आप बायर हो या सेलर हो. अगर आप बायर हो और आपको पे करना बाकी है, तो यू आर ए डेटर, he is your creditor. Transaction में you are a seller और अगर आपको पैसे लेने, you are a creditor, वो आपका debtor है. समझ में आ रहा है? तो ये मुझे समझाना है कि what is buyer, क्या सब buyers debtors होते क्या? नहीं, वही buyers जिनसे पैसे लेने वो debtors है. And सब sellers आपके creditor होते क्या? नहीं, खाली उनको जिनको पैसे pay करने बाकी है. Like if you आपने Venn diagram सीखी होगी कभी, बायर उसमें से थोड़े डेटर्स रहेंगे, नॉट नेसेसरी कि सब बायर से पैसे आने. ये डेटर्स एंड ये बायर्स, मतलब
those buyers from whom we have to recover the money are only debtors. मैंने पांच लोगों को सेल किया, ए बी सी डी ई, ए को कैश पे, ए मेरा कस्टमर है, बायर है बट डेटर नहीं, बी को भी कैश पे सेल किया, कस्टमर है बट डेटर नहीं, सी को क्रेडिट पे सेल किया, वो कस्टमर भी है वो डेटर भी है, डी को कैश पे सेल किया, कस्टमर है बट डेटर नहीं, एंड ई क्रेडिट पे सेल किया, ई मेरा कस्टमर भी है और डेटर भी है। कब तक डेटर है वो? जब तक वो मुझे पे नहीं करता तब तक। जैसे उसने पेड किया वो डेटर नहीं रहेगा, जैसे आपको पैसे आ जाएंगे उनसे नहीं रहेगी, वो डेटर्स नहीं रहेंगे। दूसरा, सिमिलरली ठीक है, creditors and sellers. Does every seller is a creditor? No. Only those sellers जिनको हमें pay करना बाकी है, एक बार pay कर दिया ना वो creditor नहीं रहता, फिर मांगने पैसा आएगा ना धो डालेंगे उसको, भाई मैंने तुझे paid किया है, you are no longer creditor. मैंने किसी से goods purchase किया 10 लाख के, तू मेरा creditor है, वो आते जाते बोलेगा तू मेरा debtor है, तू मेरा debtor है, पैसे दे पैसे दे, तब तक हम बोलेंगे भाई तू मेरा creditor है, एक बार हमने उसको पैसे दे दिया वो फिर से मांग नहीं सकता, हमें हमने पेड किया तो वो रिलेशन खत्म हो गई। जैसे अकाउंट सेटल हो गए ना, नो डेटर नो क्रेडिटर, ना ही तो मेरा डेटर है ना ही तो मेरे क्रेडिटर। लाइक अगर रावण पेज राम 20,000, रावण पेज राम 20,000, अब राम के लिए रावण डेटर नहीं, रावण के लिए राम क्रेडिटर नहीं, सेटलमेंट हो गई। राम पे सीता रुपीज 15,000, सीता के लिए राम डेटर नहीं, राम के लिए सीता क्रेडिटर नहीं। विभीषण पे 22,000 टू रावण, रावण के लिए विभीषण डेटर नहीं, विभीषण के लिए राम रावण क्रेडिटर नहीं। बहुत सिंपल चीज है, बहुत मैं और बहुत सिंपल वे से समझाने का ट्राई कर रहा हूं, बिकॉज दीज टर्म्स आर द बेस। कैपिटल, ड्रॉइंग्स, मैंने थोड़ा परचेस के बारे में समझाया, थोड़ा सेल के बारे में समझाया। क्यों परचेस करते हो? बिकॉज सेल करने के लिए, और सेल करने के लिए परचेस चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे? लाइक राम हैज टू सेल टू रावण, तो पहले उसने कुछ परचेस किया, या तो मैन्युफैक्चर करके, दोनों में से एक करेगा, राइट? रावण हैज टू सेल टू द विभीषण, पहले वो किसी से तो परचेस करेगा फिर सेल करेगा, और जनरली यू सेल एट अ हायर प्राइस, एंड डिफरेंस बिटवीन परचेस एंड सेल्स इज योर प्रॉफिट। रावण के परचेस 20,000 के है, सेल्स 22,000 का है, इसलिए हम बोलते हैं रावण का प्रॉफिट 2,000 का है। राम के परचेस एक्सपेंस 15,000 के है, एंड राम के इनकम सेल्स 20,000 का है, बोल रहे राम का प्रॉफिट 5,000 का है। सर व्हाट अबाउट विभीषण एंड सीता? आई हैव नॉट, दे हैव नॉट गिवन मी इंफॉर्मेशन, हाउ कैन आई टेल यू? समझ में आ रहा है? बट इतना तो बोल सकते हैं, सेल्स माइनस परचेस, लिख लेना, सेल्स माइनस परचेस इज प्रॉफिट, योर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इज, ये रॉन्ग है फॉर्मूला बट अभी के लिए करेक्ट है। सेल्स दैट इज इनकम माइनस परचेस, रॉन्ग है, मैं नहीं बोल रहा कि करेक्ट है, एक्सपेंस। हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन पता होगा आपको, इनकम माइनस एक्सपेंस। अभी फिलहाल इस लेवल पे इतना समझना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस, सेल्स इज इनकम, एक्सपेंसेस। आप एक एग्जांपल, अभी गणपति आ रहा है, आपने क्या किया, स्टॉल डाल दिया गणपति आइडल्स परचेस करने के लिए, आपने किधर वो कोकन एरिया में, आई डोंट रिमेम्बर, वहां से गणपति परचेस किया, ठीक है, पेन, पेन पेन में मिलते हैं ना, वहां पे कारखाने होते हैं, वहां से आपने परचेस किए, आपने एग्जाम्पल 100 मूर्ति परचेस किए आइडल्स, टोटल आपको वो 10,000 में गिरे, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। फिर आपने पुणे में आके सेल कर दिया पूरे के पूरे, और आपने 25,000 में सेल कर दिया, योर एक्सपेंस, योर एक्सपेंस इज 10,000, योर इनकम इज 25,000, योर प्रॉफिट फ्रॉम दिस वेंचर, वेंचर बिजनेस, बिजनेस का दूसरा नाम होता है वेंचर, 15,000। समझा? ऐसे सोचो,
दिवाली आने वाली है, आपने क्रैकर का शॉप डाल दिया, यू परचेस क्रैकर्स ऑफ 10 lakhs एंड यू सोल्ड देम फॉर 15 lakhs, सेल्स इज इनकम, परचेस इज एक्सपेंस, समझा, 5 lakh का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट आपका है, बिजनेस का है, बिजनेस का मतलब ओनर का ही ना, बाद में बिजनेस इसको देगा 5 lakh, ओनर को, ओनर ने 10 lakh दिए बिजनेस को, बिजनेस ने क्रैकर्स परचेस किए और 15 में सेल किए, प्रॉफिट कमाया, समझा। सो अगर आप कैपिटल डालोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप कैपिटल डालोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, बिजनेस ऐसे किया जाता है। आगे ठीक है, अच्छा अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें? एनीवन हैज डाउट? सिंपल है ना, तो आप किसी के ना किसी के डेटर रहोगे और किसी ना किसी के क्रिएटर भी रहोगे। अगर आप कोई चीज ये करते हो, उधारी पे लेते हो तो डेटर है, और अगर उधारी पे सेल करते हो तो आप क्रिएटर हो। बट जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं ना तो बैड डेट्स के रिस्क रहती है, कोई आपको, हर कोई अच्छा बंदा नहीं रहता, हर कोई आपका डेटर आपको टाइम में पे करेगा इसकी गारंटी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर मेनी थिंग्स कि जहां पे लोग पे नहीं करते, ठीक है, नहीं करते पे। आपने देखी नहीं, आपके मम्मी पापा को पूछो, वो बोलेंगे, उन्होंने भी किसी को पैसे दिए होंगे, लोग नहीं पे करते, वो बोलते किसी को देना मत, क्यों? बिकॉज़ दे हैव गॉन थ्रू दैट, ठीक है, ये होता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन। कुछ भी बहाने करके लोग पे नहीं करते, और अमाउंट उतनी बड़ी होती भी नहीं कि हम उसको कोर्ट में लेके जाए, और कोर्ट में जब केस चलती है तो केस क्या है, फर्स्ट डे में रिजॉल्व हो जाएगी क्या?